नया करिकुलम फ्रेमवर्क के आधार पे फाउंडेशनल कोर्स के लिए टीचर्स गाइड बुक आपने आज लोकार्पित किया। इस बीच में जिसको संजय जी उल्लेख कर रहे थे, स्टीयरिंग कमिटी ने, एनसीएफ ने, नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क बनाने वाले स्टीयरिंग कमिटी ने कैरिकुलम दे दिया है एनसीईआरटी को। एनसीईआरटी हमको वचन दिया है सरस्वती पूजा के दिन तक फाउंडेशन ग्रुप की यानी बाल वाटिका एक दो तीन स्टैंडर्ड वन टू कक्षा एक दो की पांच साल की नई टीचिंग लर्निंग मटेरियल और टेस्ट बुक भी सरस्वती पूजा के दिन आ जाएगी। मैं अग्रिम बधाई देता हूं साकलानी जी और उनकी पूरे टीम को, आप यह महत्वपूर्ण जिम्मेवारी ले रहे हो। ऐसे ही मैंने आपको अपेक्षा रखा है आपसे 2024 सरस्वती पूजा तक यानी आज से एक साल के अंदर 15 साल की कैरिकुलम सिलेबस और उसकी टेक्स्ट बुक और टीचिंग लर्निंग मटेरियल, नई पाठ्य पुस्तक, 21वीं सदी लायक वैश्विक नागरिक बनाने के लिए मूल विचार वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व मेरे परिवार है, इसी परिकल्पना के साथ भारत की नई पीढ़ी को बनाने के काम आप लोगों के नेतृत्व में शुरू हो गया है और इसकी जीता जागता प्रयोग यह कला उत्सव है। इस बीच में देश में पहली बार क्रेडिट की व्यवस्था को यूनिवर्सलाइज किया गया है। ये जो आप यहां कॉम्पिटिशन में आए हो ना, आपकी मां पिताजी को लग रहा होगा यार स्कूल वाले आपको ले गए, छह दिन की कोचिंग तो बंद हो गया, पढ़ाई घट गई, कैसे होगा। अब निश्चित रहिए, जो राष्ट्रीय स्तर की कला उत्सव में आएगा, राज्य स्तर की कला उत्सव में आएगा, जिला की कला उत्सव में आएगा, उसको आने वाले दिनों में एनसीईआरटी मानक लगाएगी, कुछ ना कुछ क्रेडिट मिलेगा जो उसको आगे चल के कैरियर में मदद करेगी। मैं जूरी को निवेदन करता हूं, जूरी के माध्यम से देश की कला संस्कृति से जुड़े हुए विद्वानों से करता हूं, आप सिलेबस में इसको लाइए। हमारी पढ़ाई हमारी विरासत को याद नहीं करते हुए पूर्णांग नहीं होता है, हमारी मूल्य नहीं समझाया जा सकता है। अगर मैं अभी हम सब नृत्य देख रहे थे आरआई के बच्चों के द्वारा, मैं दो तीन नृत्य को उल्लेख करता हूं उसमें से, आप सभी के राज्य में ऐसा होगा, कृष्ण की भगवान की भक्ति के भजन के बिना, भजन के बिना भक्ति क्या होता है समझाया नहीं जा सकता है। बच्चा हमारे वहां कोई चित्र करेगा माने कोई पेंटिंग करेगा, वो पेड़ की पेंटिंग करेगा, कहीं कुत्ते का करते हैं तो हमारे वहां पेड़ की करते हैं, पेड़ की करते हैं, हम वृक्ष देवता को पूजा करते हैं। सदियों से हमारी सभ्यता ने वृक्ष को भगवान माना है, श्रद्धा माना है, क्यों, वो हमें ऑक्सीजन देता है, इसकी वैज्ञानिक कारण है। इसलिए भारत की कला संस्कृति को प्रॉपर एनईपी में सिलेबस और टेक्स्ट बुक में ले आने के काम किया जा रहा है और मैं जूरी जैसे विद्वानों से उसे ज्यादा अपेक्षा रखता हूं।